डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोगों को अभी तक के जो कॉन्सेप्ट्स हमने बताए हैं वो सभी आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर होंगे और आप जो टेस्ट दिया या प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए थे वो आप लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा और उसे 100% सॉल्व करने में कामयाब हुए होंगे। आइए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, मल्टीप्लीकेशन एंड पे ध्यान दीजिएगा। मीन्स मल्टीप्लीकेशन होगा और उसके साथ साथ क्या होगा, आइदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीरीज। ओके, मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीरीज, ठीक है। इसमें फर्स्ट केस जो आता है वो है आपका सेम नंबर मल्टीप्लीकेशन एंड सेम नंबर एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीरीज, ठीक है। इस टाइप की जो सीरीज होती है इसमें जो नेक्स्ट एलिमेंट हम लोग लाते हैं उसमें जो सेम नंबर मीन्स एक ही जो सर्टेन नंबर है, सपोज कीजिए एम, उसको मल्टीप्लाई करते हैं और एक सेम नंबर सपोज कीजिए ए, जिसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। आइए देखते हैं, फर्स्ट नंबर सपोज कीजिए टू है, तो इसमें हम लोग एक सेम नंबर मीन्स टू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं है टू कंफ्यूज होंगे इसीलिए थ्री इसको लिख लेते हैं, इंटू थ्री कर रहे हैं, ठीक है। एक नंबर हम लोग मल्टीप्लाई किए और एक नंबर सपोज कीजिए वन हम लोग इसमें ऐड कर रहे हैं, तो नेक्स्ट डिजिट क्या हो जाएगा, टू इंटू थ्री सिक्स प्लस वन सेवन, ठीक है। तो सेम नंबर से हमको मल्टीप्लाई करना है और सेम नंबर से ऐड करना है, तो हमारा नेक्स्ट नंबर क्या होगा, सेवन इंटू थ्री प्लस वन मीन्स ट्वेंटी वन प्लस वन ट्वेंटी टू। फिर नेक्स्ट नंबर क्या होगा, इंटू थ्री, सेम नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड सेम नंबर से एड कर रहे हैं, तो 22 इंटू थ्री 66 प्लस 1 67। फिर क्या करेंगे, इंटू थ्री प्लस 1, तो 67 इंटू थ्री 201 प्लस 1 202। तो इस टाइप से ये कैरी होता जाएगा, हर बार क्या होगा, सेम नंबर इंटू थ्री प्लस 1 इंटू थ्री प्लस 1, ये क्या हो रहा है, सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है 3 और सेम नंबर 1 क्या हो रहा है, एड हो रहा है, ठीक है। वैसे ही अगर सपोज किसी इसमें वन सब्ट्रैक्ट होता तो ये क्या हो जाता, सेम नंबर मल्टीप्लीकेशन थ्री सब्ट्रैक्शन वन, तो टू इंटू थ्री सिक्स फाइव हो जाता है ये, फिर थ्री माइनस वन होता तो क्या हो जाता है ये फोर्टीन, फिर थ्री माइनस वन होता तो 41। तो इस तरह से क्या हो गया, ये सेम नंबर मल्टीप्लीकेशन एंड सेम नंबर सब्ट्रैक्शन सीरीज पूरे में, ठीक है, सेम नंबर मल्टीप्लीकेशन एंड सेम नंबर सब्ट्रैक्शन सीरीज। ओके, तो यहां देख रहे हैं क्या, एंड मीन्स एक बार मल्टीप्लाई हो रहा है और एड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, क्लियर है। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। फर्स्ट एग्जांपल जो है मेरा 5, 11, 23, 47, 95, और हमारे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये प्रिडिक्ट करना है या इसका अपने लॉजिकल रीजनिंग के हिसाब से इसे लाना है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, 2 प्लस 1, 2 प्लस 1, तो इंटू क्या हो रहा है 2 प्लस क्या हो रहा है 1, फिर से इंटू क्या हो रहा है 2 प्लस क्या हो रहा है 1, 23 इंटू 2 46 प्लस 1 47, 47 इंटू 2 94 प्लस 1 95, 95 इंटू 2 190 प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका नंबर 191। तो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है आपका, व्हाट कम्स इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, ठीक है, 4 है 5 है 7 है 11 है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं एक ट्रेंड क्या दिख रहा है, 4 इंटू 1 या 4 इंटू 2 माइनस 3, 5 इंटू 2 माइनस 3, 7 इंटू 2 माइनस 3, ठीक है, देख रहे हैं क्या हो रहा है ये, 4 इंटू 2 8, 8 माइनस 3 5, 5 इंटू 2 10, 10 माइनस 3 7, 11 इंटू 2 22, 22 माइनस 3 19, ठीक है, 19 इंटू 2 38, 38 माइनस 3, तो सेम नंबर आपका 2 मल्टीप्लाई हो रहा है और सेम नंबर क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है 3, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 35 इंटू 2 70, 70 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 67। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या देख लिए, सेम नंबर मल्टीप्लीकेशन एंड सेम नंबर एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीरीज। ओके, नेक्स्ट आता है सेम नंबर मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन और सब्ट्रैक्शन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो जैसे हम लोग लास्ट में देखे कि हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 1 ऐड किए, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जो नेक्स्ट
नंबर आएगा, ये क्या आ गया 7। तो नेक्स्ट टाइम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, मीन्स 3 से सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ये जो है ये चेंज हो जाएगा। सपोज करते हैं यहाँ पे अब 3 कर रहे हैं, तो 1 से ये चेंज होके क्या हो गया 3, कितने का चेंज हुआ 2 का। तो नेक्स्ट टाइम फिर से ये क्या हो जाएगा 724। तो नेक्स्ट टाइम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और इस बार एडिशन क्या होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो 1 से 3 हुआ, 3 से क्या हो जाएगा ये 5, तो 24 × 3 72 + 5 77। तो इस टाइप से ये सीरीज आगे बढ़ेगी। तो अब नेक्स्ट क्या होना चाहिए 3 + 7, ठीक है। तो इस टाइप से फिर नेक्स्ट अगर होगा तो वो क्या हो जाएगा 3 + 9, क्लियर है। वैसे ही अगर सब्ट्रैक्शन होगा तो 2 × 3 - 1 जो भी आए आपका, फिर 3 - 2 कर लेते हैं, इस बार 1 1 का ही डिफरेंस रखते हैं, 3 - 3 × 4 - 3 - 4 × 3 - 5। मीन्स ये जो मल्टीप्लीकेशन है वो सेम नंबर का हो रहा है और सब्ट्रैक्शन क्या हो रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे क्या है 1 3 5 7 9। तो ये ऑर्डर अलग अलग हो सकता है, कोई भी ये ऑर्डर हो सकता है, बट इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, ऑर्डर होना चाहिए उसमें, ठीक है। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं ताकि ज्यादा क्लैरिटी आ सके। तो फिर से मेरा क्या है 5 11 24 51 106। तो 5 × 2 + 1 अगर हम लोग करें तो 11 आ जाएगा, 11 × 2 + 2 करेंगे तो 24 आ जाएगा, 24 × 2 = 48 + 3, फिर 51 × 2 + 4, तो नेक्स्ट क्या होगा 2 + 5, तो 212 + 5 = 217। ओके, तो 217 कौन सा ऑप्शन है हमारा, डी ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट है 4 7 12 21 38, क्लियर है। तो ये इंक्रीजिंग सीरीज है, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं 4 × 2 - 1 7 × 2 - 2। नेक्स्ट आपको पता है सेम नंबर से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, नेक्स्ट क्या होगा प्रेडिक्ट आप खुद भी कर सकते हैं, तो 12 × 2 - 3, फिर 21 × 2 - 4, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 2 - 5, तो 38 × 2 = 76 - 5 = 71। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी 71। ओके, फिर आता है, अभी हम लोगों ने देखा सेम ऑर्डर मतलब नंबर का मल्टीप्लीकेशन हो रहा था और इंक्रीजिंग ऑर्डर में एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा था, अभी क्या हो रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, सेम नंबर का सब्ट्रैक्शन या एडिशन होगा। मीन्स एग्जांपल लेते हैं, तो 2 × सपोज कीजिए 2 + 1 हो गया, अब नेक्स्ट जो नंबर होगा 5 हुआ जैसे, तो 3, अब ये वाला जो है मल्टीप्लाई हो रहा है वो इंक्रीज कर रहा है 3, और ये जो एडिशन है वो सेम रहेगा, तो कितना हो जाएगा ये 16। अब नेक्स्ट में फिर से इंक्रीज करेगा 4 + 1 = 65, फिर से इंक्रीज करेगा 5 + 1, क्लियर है। तो ये एक सीरीज हुआ। नेक्स्ट में अगर सब्ट्रैक्शन सीरीज भी देखें तो 2 × 2 - 1, फिर जो आएगा 3 - 1 × 4 - 1 × 5 - 1। आइए एग्जांपल देखते हैं, तो यहाँ पे क्या है मेरा 3 6 5 48 195, सर 3 6 15 48 195, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है 3 × 1 + 3, फिर क्या हो रहा है 6 × 2, देखिए इंक्रीज कर रहा है +3, फिर क्या हो रहा है 15 × 3 + 3, 48 × 4 + 3, तो अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा 3 से हुआ 4 से हुआ, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा 5 + 3, तो 195 कितना होता है इंटू 5 अगर हम लोग करेंगे तो 975 + 3 978, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए जो होगा वो मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा।
ठीक है, तो यहाँ पे मेरा Next सीरीज क्या आता क्या है है, आपका, फोर फोर सिक्स सिक्सटीन सिक्सटी टू थ्री थ्री जीरो जीरो एट। ठीक है, ठीक यहाँ है। पे अभी हम लोग फोर का इंटू क्या है, टू इंक्रीजिंग माइनस ऑर्डर है टू ये, दैट इज इक्वल टू सिक्स, ये जस्ट सिक्स फॉर इंटू, अब प्रैक्टिस, तो इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑर्डर में है, मल्टीप्लीकेशन हो और रहा है, तो उसमें थ्री सब्ट्रैक्शन माइनस होगा। टू सिक्सटीन ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा, फोर तो अगर माइनस हम लोग टू देखें, 62 इंटू फाइव माइनस टू, 308 इंटू इंक्रीजिंग ऑर्डर, टू थ्री फोर फाइव, तो क्या हो जाएगा, सिक्स माइनस टू, दैट इज इक्वल टू 48, एंड 1848 माइनस टू, दैट इज इक्वल टू 1846। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर मल्टीप्लीकेशन एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीरीज। ठीक है, तो इसमें दोनों मल्टीप्लीकेशन वाले जो नंबर हैं वो भी क्या होंगे, इंक्रीज करते जाएंगे, मीन्स इंटू थ्री प्लस टू इस टाइप से हो जाएगा, इंटू फोर प्लस थ्री, इंटू फाइव प्लस फोर, ये देख रहे हैं क्या इंक्रीज होता जा रहा है, दोनों मल्टीप्लीकेशन वाला भी और एडिशन वाला भी। अगर सब्ट्रैक्शन में भी देखें तो टू माइनस वन, इंटू थ्री माइनस टू, इंटू फोर माइनस थ्री, इस टाइप से ये इंक्रीज होगा। ओके, क्लियर है। और एक क्लैरिटी के लिए एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, तो मेरे पास क्या है, नंबर्स फोर फाइव ट्वेल्व थर्टी नाइन एंड 160। तो ये क्या हुआ, इंटू वन प्लस वन इंटू टू प्लस टू इंटू थ्री प्लस थ्री इंटू फोर प्लस फोर, यहाँ क्या हो जाएगा, इंटू फाइव प्लस फाइव, 160 इंटू फाइव 800, 800 प्लस फाइव, दैट इज इक्वल टू 805, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट इज थ्री फाइव थर्टीन फोर्टी नाइन टू फोर्टी वन, तो थ्री इंटू टू माइनस वन इंटू थ्री माइनस टू इंटू फोर माइनस थ्री इंटू फाइव माइनस फोर, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है सारे, तो इंटू सिक्स माइनस फाइव, तो सिक्स ट्वेंटी फोर, वन फोर फोर सिक्स माइनस फाइव, दैट इज इक्वल टू 1441, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो हम लोगों ने अभी क्या देखा, तो हम लोगों ने मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीरीज देखा। तो फर्स्ट में क्या हो रहा था, सेम नंबर का मल्टीप्लीकेशन एंड सेम नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन हुआ। फिर हम लोगों ने क्या देखा, सेम नंबर का मल्टीप्लीकेशन एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपका सब्ट्रैक्शन या एडिशन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने क्या देखा, इंक्रीजिंग ऑर्डर का मल्टीप्लीकेशन था और सेम ऑर्डर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन था, और हम लोगों ने फिर क्या देखा, इंक्रीजिंग ऑर्डर का मल्टीप्लीकेशन एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर का सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन था। तो पूरे अगर हम लोग आज अभी इस वीडियो का देखें तो यही समरी है, और इसी के बेस पे हम लोगों ने पूरा अभी का जो क्वेश्चन सॉल्व किए, और अभी नेक्स्ट यूनिट में हम इस पे आपको और प्रैक्टिस क्वेश्चन देंगे, उसको खुद से सॉल्व कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, आपके कॉन्सेप्ट में अच्छी क्लैरिटी आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपकी कोई क्वेश्चन है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछिए।